बाउल विद कस्टमर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, यहाँ शमीम। हाँ जी फरमाइए, मैं यहाँ मैनेजर हूँ। शमीम साहब जरा बाहर गए हैं जी। आपको अकोमोडेशन चाहिए? जी हाँ, मगर वो आप अकेली आई हैं जी? क्यों? वो कुछ नहीं, वो दरअसल आपकी शक्ल ना। क्या हुआ मेरी शक्ल को? नहीं वो कुछ नहीं, मिलती है, मेरा मतलब है ना जी कि वो मेरी जीरा से बड़ी मिलती है जी। टेम्पो, बिहेव योरसेल्फ, चलो आगे काम करो अपना। प्लीज आप माइंड ना कीजिएगा ये जरा। कैन आई हैव योर आईडी कार्ड प्लीज? आईडी कार्ड? यस मिसेस, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, आई होप यू डोंट माइंड। मैं यहाँ शमीम साहब का इंतजार करती हूँ। शमीम साहब का इंतजार? वो क्यों मिस? इट्स अ प्राइवेट मैटर। कैन आई? श्योर, थैंक यू। मिस लाना, क्या मुझे तो कोई चक्कर लगता है। चक्कर? कैसा चक्कर? शमीम साहब का चक्कर। क्या बकवास कर रहे हो? सुना नहीं आपने वो क्या कह रही थी? इट्स ए प्राइवेट मैटर, इसका क्या मतलब होता है? जी जी, शमीम साहब का कमरा कहाँ? कमरा? कमरा? कमरा थे? क्यों, वो गेस्ट हाउस में नहीं रहते? नहीं नहीं, नहीं रहते नहीं, रहते हैं मगर। अच्छा ऐसा है कि मैं उनके कमरे में इंतजार कर रही हूँ। जी जी, हाँ जी आए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। आए नहीं, मैं छोड़ के आता हूँ। आए जी आए। मुराद, ये रैम्बो तो तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ है। सर जी, सब लोग आप ही के साथ काम करते हैं जी, एक तो ये भी कमाल। लो जी, अब तो बिल्कुल कंफर्म हो गए जी। अब क्या कंफर्म हो गए? यही कि मुझे तो मामला गड़बड़ है, मुझे तो पहले ही शक था। क्या मतलब? मतलब क्या जी, शमीम साहब बेगम साहब से चोरी चोरी टेलीफोन पर किसी से बातें करते। ईमान से मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा है। नॉनसेंस, क्या किसी से फोन पे बात करना कोई बुरी बात है? ओ जी, बुरी चंगी का तो मुझे पता नहीं है जी, लेकिन जब भी वो चोरी छुपी टेलीफोन पे बात कर रहा, मैंने सुनने की कोशिश की तो उन्होंने टेलीफोन बंद कर दी। अब क्या होगा नवीद, अगर मिसेस शमीम को पता चल गया तो? लो जी, मैं शमीम साहिबा के कमरे में छोड़ आया हूँ जी। शमीम साहिबा? हाँ ना जी, वो शमीम साहब और बेगम साहबा को मिलाए तो शमीम साहबा ही हुआ ना। मैं तुम्हें कितनी देर से इशारे कर रही थी, मगर मैं जान है कि तुमने देखा भी हो इस तरफ। वजी जी, मैं क्या करता जी, वो लेडी साहबा को देख के मुझे अपनी जीरा बड़ी याद आ रही थी। वो जीरा के मामे, अगर शमीम साहब ने पूछ लिया कि उनकी इजाजत के बगैर तुमने उस खातून को उनके कमरे में क्यों पहुंचाया, तो क्या जवाब दोगे? तो कोई जवाब दे दूंगा ना, जो हमारा कोई हक नहीं बनता, हम यहाँ काम नहीं करते। ओए बकवास नहीं कर रहा, जूनियर स्टाफ अपनी औकात में रहा। तू चुप रह लालटेन, वो बेगम साहबा वो मुझे टिप दे रही थी, TIP। अच्छा, मैंने नहीं ली। अच्छा किया। मैंने कहा ये तो मुराद का काम है, मेरा काम तो है महीना एमिस रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो। अच्छा सर, छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि ये लेडी साहबा कर क्या रही थी अंदर? वो करना क्या, वो गई है अंदर जाके बिस्तर पे ड्रम, मुझे कहती है तुम बाहर जाओ, मुझे अरमान करना है। लो जी, फिर कन्फर्म हो गया। अब क्या करना? ये वही है। वही कौन? वही जो जिससे शमीम साहब टेलीफोन पे बात करते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई, ये चेहरों पे 12 क्यों बजे हुए? 12:30। सारी घड़ियां खराब हो गई। घड़ियां खराब हो गई? क्या मतलब, क्या बकवास है? अभी आपकी भी खराब घड़ी आने वाली है जी। मैं मारूंगी रख के, क्यों मेरी क्यों खराब घड़ी आने वाली? भी अल्लाह ना करे मेरी घड़ी ठीक ठाक चल रही है। शमीम साहब की घड़ी तो रुक ही जाएगी जी। ये क्या हो गया तुम लोगों को? अभी तो बहुत कुछ होना है जी, आप अल्लाह अल्लाह करें। या अल्लाह, ये तुम लोगों ने कहीं वही नाश्ता तो नहीं कर लिया जो मैं सुबह सुबह शमीम के लिए बनाती हूँ बड़े चाव के साथ? अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है? सर जी, आपकी तो शामत आई हुई है जी। मेरी शामत आई हुई? क्या हो गया तुम्हें, क्या किया मैंने? वो जी आपके कमरे में वो मुराद, होश के नाखून लो। भाई क्या हो गया तुम लोगों को? शमीम, पता नहीं मुझे तो लगता है कि इन लोगों पर इज्तमाही तौर पर कोई पागलपन का दौरा पड़ा जो ऐसी बेकी बेकी बातें कर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, असल में इन बेचारों पर काम का लोड बहुत ज्यादा है ना। उस लोड की आप फिक्र ना करें जी, आप उस लोड की फिक्र करें जो अभी आप पे पड़ने वाला है जी, बेगम साहबा की झिड़कियों का जी। बेगम साहबा की झिड़कियों का? क्या बकवास कर रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? ये क्या किया मैंने? वो जो आप वो फोन शून, वो फोन शून क्या, क्या हो क्या गया तुम लोगों को? अब मुझे तो लगता है ऐसे खामखा ये बोले चले जा रहे हैं। चलो कमरे में चल के चाय का। नहीं 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 सर, ओहो भाई भाई, ये क्या क्या बदतमीजी है ये? अरे बदतमीजी, ये तो अभी तो जो कुछ आप लोगों के साथ होने वाली है उससे अल्लाह बचाए जी। अच्छा चलो चलो छोड़ो ये फलसफा। नहीं नहीं, देखिए देखिए बेगम साहब, हम हट जाएंगे लेकिन पहले शर्त है वो जो अभी गीत आप गाते हो नहीं आ रहे वो पहले सुना दे। नहीं नहीं, हां ठीक है, मुझे शमीम की इजाजत नहीं है। मेरी इजाजत है जी, सुना दो। हां सुना, मुझे गाना नहीं आता। Please. Try.
मैं उड़े उड़े जावा हवा दे नाल बस चल तू जलाल तू शमीम हुआ हलाल तू ये पहली चीख बेगम साहब की अभी दूसरी चीख आएगी जी शमीम साहब की ये क्या ये तो मिसेस शमीम की चीख है शमीम साहब की चीख कहाँ गई पहले अटैक में ही पर लाभ लगा रहे हो बोलो ना आप कौन ठहरो 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 मैं बताती हूँ ये मेरी बहन है नदिया ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है बड़ी लाइक बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है टॉप करती है और ये भाई ये सब ये लैला है यहाँ काम करते हैं ये हमारे गेस्ट हाउस में ये नवीद है और ये मुराद है और ये माय नेम इज रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो सिल्वर स्टैलियन द काक्रोच किलर किलर साथ से हटा देना बस काक्रोच ही काक्रोच बेगम साहब जी कोई बहुत बड़ा एक्टर आ रहा है जी इधर गेस्ट हाउस की तरफ है? नदीम तो नहीं आ रहा नहीं नहीं नदीम नहीं है ना जी वो बड़ा सा टोप ना यूं छोटी सी टाई बांध के ना वो चाली चपला ना जी चाली चपला को तो मरे हुए कितना अरसा गुजर गया नहीं मैंने वो ये गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग एक अदद कमरा चाहिए सिंगल या डबल नहीं डबल वीआईपी जो मटी वीआईपी डबल मुराद जी चुप करें अल्लाह वसाया सूखा सूखा नहीं सौखा इजी फील और मैं पागल हूँ नहीं जी भाई तुम दोनों यहाँ चुप करके खड़े हो अच्छा अच्छा ऐसा है जी कि ये आप इस जगह जरा साइन कर दे ये फॉर्मेलिटी होती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कोई हाँ इत्मीनान क्या करते हो तुम लोग बदतमीज ना हो तो रैम्बो मुराद खामोश खड़े रहे जी जी कोई नहीं बस ठीक है हाँ कोई नहीं हाँ तो आपका कितने दिन का स्टे होगा यहाँ पे जी बस जी ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते का जी अच्छा अच्छा एक हफ्ते का गुड मैंने ये डबल रूम इसलिए बुक कराया है कि मेरा बेटा इकलौता लंदन से वापस 10 साल के बाद आ रहा है इसका मतलब है कि आप 10 साल तक यहाँ ठहरेंगे जी और मैं पागल हूँ भाई क्या है तुम्हें जी जी हाँ आपका बेटा आ रहा है 10 साल बाद जी का वो मैं एयरपोर्ट पे उसे रिसीव करने भी जाऊंगा जी जी तो क्या करता है आपका बेटा इंग्लैंड में मेरा बेटा जी गया तो आला तालीम हासिल करने के लिए मगर वहाँ जाके बिजनेस में गुड बिजनेस पाकिस्तानी स्टाइल का एक रेस्टोरेंट खोल लिया है जी और उसमें गुड ऑफ पैसा इजी फील और मैं पागल हूँ नहीं जी मुराद जी चलो इनको 8 नंबर में छोड़ के आओ जी जी हाँ तो वो आपके साथ आपके बेटे की अम्मी नहीं आई हैं उनको साथ लाना मुमकिन नहीं था जी हाँ ठीक है यहाँ पे सर्दी वर्दी होती है ना तो इस उम्र में चलना फिरना तो बड़ा मुश्किल होता है नहीं 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 ये बात नहीं है फिर क्या तबीयत नासाज है उनकी देखे ना वो इंग्लैंड से आपका बच्चा आ रहा है ऐसे में तो माए भाग के आती है क्या बात है असल में उसका इंतकाल हो गया जी अच्छा आई एम सॉरी प्यारी चीजें तो अल्लाह को प्यारी हो ही जाती हैं जब आपका बेटा आएगा ना तो आप उसको इस्लामाबाद की खूब सैर कराइएगा घुमाइए फिराइएगा यहाँ बहुत अच्छी साइट्स हैं जी बिल्कुल मैंने ये फैसला किया हुआ है जी कि एयरपोर्ट से सीधा उसको मरी ले जाऊंगा और फिर इस्लामाबाद की साइड कंट्री दिखाऊंगा ताकि वो जब पिंड में वापस जाए तो उसको कोई शॉक या मतलब धचका ना लगे जी यार मैं पागल हूँ मैडम बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ आपने थैंक यू लैला भाई दरअसल लिबास के मामले में मेरी चॉइस हमेशा से बड़ी डिफरेंट रही आपकी तो शुरू से कीमत पर जाती हैं अब्बा जी जब भी हमारे लिए कुछ लेकर आते हैं ना तो आपकी सबसे पहले उसकी कीमत देखती और जो कीमती चीज होती फौरन खुद ले लेती लगता है अच्छा लैला तुम्हें बड़ी मजे की बात बताऊं पता है वो जब जब ना शमीम का रिश्ता आया ना मेरे लिए तो मैंने अम्मी से पट पूछा कितने का खरीदा है रियली हां हां और जब इन्हें पता चला कि शमीम भाई अच्छे खासे खाते पीते घर आने के तो फौरन हां कह दी
लेकिन ये जो चीज चमकती है जरूरी नहीं वो सोना ही हो। क्यों मैडम, क्या हुआ? ठीक ठाक तो है वो? आप ही अच्छे खासे तो हैं शमीम भाई। हाँ, अच्छे खासे कंजूस। इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा नदिया को। तुमने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि लड़के का बाप जो है वो क्या नाम है उसका, AW सूखा, वो सूखा नहीं सौखा। अरे वही ना, AW सौखा, वो अपने लड़के से नदिया की शादी करने में इंटरेस्टेड है। शमी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अच्छा, मैं लोगों के एक्सप्रेशन से अंदाजा लगा लेती हूँ कि इनके दिल में क्या है, और तुम तो बस ये हिसाब किताब में लगे रहना और घर आके मैगजीन पकड़ के बैठ जाना बस। अरे बाबा, ये औरतों का काम है, तुम अगर सही समझती हो, मुनासिब समझती हो तो बात करके देख लो। शाबाश है शमीम, शाबाश है तुम्हारी अकल पर। यानी अपनी बहन के रिश्ते की बात मैं लड़के के बाप से खुद करूं? अरे बेवकूफ औरत, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अपनी बहन से बात करके देख लो कि वो भी इंटरेस्टेड है कि नहीं है, मतलब वो भी चाहती है कि नहीं चाहती। भाई उसे क्या चाहना है, और इससे अच्छा रिश्ता उसको कहाँ से मिलेगा? फिर लड़का लंदन पलट है, वहाँ अच्छा खासा उसका बिजनेस है, सेटल्ड है, उसके बाप की यहाँ इतनी जायदाद है, अकलौता वारिस है, और क्या चाहिए नदिया को? और फिर देखो देखो शमीम, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो है ना AW सौखा, वो खुद इंटरेस्टेड है अपनी नदिया में। ठीक है, ईमान से राह चलते हुए मुझे पूछते, आपने अपनी बहन के रिश्ते की कहीं बात तय तो नहीं की? तो फिर तुम ये करो ना, अगर तुम मुनासिब समझती हो तो बिस्मिल्लाह करो, देर किस बात की है? शमीम, बड़े अफसोस की बात है, बिस्मिल्लाह भी मुझे से कहलवाना ना, तुम भी तो कभी कुछ कर लिया करो, हिल लिया करो, या यहीं सोफे पे बैठ के तस्वीर उतरवाते रहते हो आराम से। नहीं देखो शमीम, तुम्हारे भी तो कोई फराइज है ना। देखो मेरी बात सुनो, लड़का जो है हम उससे मिले नहीं, हमने लड़के की मर्जी मालूम नहीं की। ओहो, लड़के की मर्जी मालूम करे लड़के का बाप, हम क्यों उसकी मर्जी मालूम करें? और रह गई मिलने की बात, तो कल वो आ रहा है तो मिल लेंगे। अच्छा ऐसा है? नहीं देखो, बस तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ इतना कर लो कि वो AW सौखा जब भी मिले ना, उससे अच्छी तरह बात कर लिया करो, जरा हेलो हेलो कर लिया करो बस। हाँ ये बात तो है, ये तो मेरे कामों में शामिल है। असल ये है कि ये जो लड़का है वो तो शायद मुझे पसंद आ ही जाए, लेकिन लड़के के बाप का नाम जो है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, AW सूखा। सूखा नहीं सौखा। अरे वही AW सौखा, मैं तो पागल हूँ। ये किधर है ये भाई? जी कौन? तमाशा बनाया है इन्होंने, ना देखते कौन बंदा ना कौन आगे, हरे के साथ बदतमीजी, हरे के साथ बदतमीजी। कौन जी कौन? ये नौकरों के तरीके, ये नौकर हैं, ये मुझे तो लगता है मैं नौकर हूँ इनकी। ये रैम्बो और मुराद की बात कर रही हो? हद हो गई, तुम तो थे नहीं उस दिन, और वो शरीफ आदमी वो जो है वो AW सोखा, वो आया यहाँ पे इस कदर की बदतमीजी की, भाई वो एक रिटर्न आदमी है। रैम्बो मुराद तमाशा बनाया हुआ है, वो हीरो बना फिरता है, बड़े जो माथे पे बाल करके हरे के सामने गाने। आप इनके खिलाफ एक्शन दे। ये गेस्ट हाउस है क्या? इधर इधर। क्या भाई? ये जो नहर का पुल है ना तेरा, ये तो मैं अभी जाके तोड़वाती हूं। और ये देखिए ये तितलियां मना किस चक्कर में बनाई हुई है, अभी तितलियां ना सारी, ये टिंट कराओ, इसकी सर पे चलेंगी ना फिर तितलियां, तो इसको पता लगेगा। बेगम साहब जी, मैं ये सारा हीरोपना निकल जाएगा। क्या है भाई तुम, ये फिल्म स्टूडियो? नहीं जी, ये गेस्ट हाउस है, जहाँ काम करे आप नौकरी करते हैं, समझ में आई? नहीं वो क्या हो रहा है, ये बदतमीजी करते हो हरेक के साथ। नहीं जी, वो तो मेरा पावर टाइम है जी। भाई मुझे गाना गाने के लिए रख रहा, तो मैं किसी गाने वाले को, तुम्हें गाने को मैंने रखना? ये भी आए, ये देखो जरा, ये मस्कीनी देखी चेहरे पे, ये ऐसे नहीं होते, जब कमरों में जाता तो पूरा ये ठीक ठाक वहाँ पे TIP और यूं करते हैं उस वक्त। ये यूं क्या होता भाई? जी बेगम साहब, जी बेगम साहब, आप क्या बाद में मेरे नाम रखते हैं, ये मुझे पता है इनका। नहीं जी, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे, क्या मतलब है? और तुम्हारे साथ वही होगा जो पहले शमीम ने किया था, वो ठीक था, सर्दी में ठिठरता था ना, मैं लेके आई थी अंदर, गलती की, अब सर्दी इतनी है, बच्चू बाहर गया ना तो हंसता हुआ आएगा, फिर सुबह वैसे नहीं वापस। बेगम साहब जी, मैं चलो जाके माफी मांगो, क्या मुँह क्या देख रहे हो? माफी किसे? चलो नहीं है वो सौखा साहब। सर सलाम सर, ये चाय जी, बिस्किट दे सर, ये बिस्किट जी, इधर देखें सर, ये बहुत अच्छे बिस्किट हैं, ये लें सर, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। चलो हटो हटो पीछे हटो सर। नहीं नहीं सर जी, आप माफ कर दें जी, वो हमें पता नहीं था जी, वो सर किस बात का पता नहीं था तुमको? सर यकीन करें बिल्कुल पता नहीं था। और किस चीज का पता नहीं था सर जी? अगर थोड़ा सा पता चल जाता तो। यार किस बात का थोड़ा सा पता, मुझे बताओ ना। अगर किसी तरफ से भी पता चलता रहे। यार मैं क्या करूं, मैं यहाँ से चला जाऊं? नहीं सर, आप ना जाइए, मैं सर माफ कर दें। यार
अरे तुम अब परंदे, क्या मसले क्या मुझे बताओ, खुल के बताओ। सर जी अगर थोड़ा सा पता होता तो कुछ ना होता जी, माफ कर दे। ओ यार किस बात का पता? सर अगर कुछ पता चल जाता ना जी तो फिर हम नहीं जीतोगे। यार तुम हंस रहे हो कि रो रहे हो? सर कुछ पता नहीं चल रहा जी। तुम कुछ पता नहीं, लग जाएगा पता बच्चू। सर जी आप सर जी माफ कर दे जी, कोई पता नहीं है जी। बस यार फिर वही पता नहीं है, और किस बात का बताओ, और मेरे बच्चों मुझे बताओ। सर मैं बताओ जी, सर ईमान से बिल्कुल पता नहीं चल सका जी। अगर पता होता सर जी तो सर जी माफ कर दे, और अगर मुझे पता होता तो मैं भी यहाँ कभी ना आता। सर इस तरह जी के वो पता करने की कोशिश। यार फिर पता, और खुदा अब बोलो, तुम बोलो, और चुनिया चुप कर तुम बोलो। सर वो पता कर देंगे जी, वो पता किया ना जी, तो पता चला जी कि आपका वो शमीम साहब से वो रिश्ता को कुछ हो रहा है जी, वो पता किया। और मैं कोई पागल हूँ? नहीं जी, मैं हूँ। देखो नदिया, अगर तुमने मुझ पर एतमाद किया है ना तो ये सारा मामला मुझ पे छोड़। अभी प्लीज, मैंने अभी पढ़ना है, तालीम मुकम्मल करनी है। ओहो तो हम कौन सा कोई तुम्हारा निकाह कर रहे हैं भाई, ऐसे करते ना फिलहाल मंगनी कर देते हैं। ये इतना अच्छा लड़का भी तो हाथ से ना निकल जाए ना। तुम्हारे हाथ से निकलना बड़ा मुश्किल काम है। क्या भाई? मेरा मतलब ये है कि ऐसा करते हैं, नदिया की मंगनी एडवांस बुकिंग में करा लेते हैं। आप ही, आप वैसे ही मेरे लिए परेशान हो रही हैं। मैं अभी शादी ब्याह के झंझट में नहीं पड़ना चाहती है ना बेवकूफ। उधर अम्मी अब्बा को देखो, सुबह शाम मुझे फोन कर करके मत मार दिए, तुम्हें इतनी तुम बड़ी बहन बनी फिरती हो, इस्लामाबाद में रहती हो, छोटी बहन के लिए रिश्ता नहीं ढूंढ सकती, शर्म करो वगैरह वगैरह। अरे हाँ भाई, मुझे भी बहुत डांट पड़ चुकी है अपने ससुर जी से, पर तो फोन करके पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि लगता है कि लकड़ी के माधु हो तुम। तुमसे कहना था जैसा माल खरीदा था वैसा ही निकलना था ना। आप वो आपने अम्मी अब्बू से पूछा? भाई उनको खुशी होगी और क्या, मुझे तो लगता है मारे खुशी के कहीं अल्लाह को प्यारे ना हो जाए। नहीं मतलब है, देखो ना अब बेटी का इतना बड़ा बोझ होता है, वो सर से उतरेगा, वो तो खुशी होंगे ना बेचारे। है आप मुझे बहुत समझती हैं, तो बस ठीक है, जो जी में आता करें। चलो ज्यादा बनो नहीं, अंदर से खुश हो रही है लगता है ये। तो ऐसा करती हूँ कि फिर मैं अम्मी अब्बा को फोन कर देती हूँ, वो आ जाए ताकि दोनों पार्टियाँ आमने सामने हो जाए। बिल्कुल ठीक है। ਨਾਰਾਲ ਗੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਹਾਂ ਜਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਹਾਂ ਨਦੀਆ ਬੀਬੀ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਵਿਦਆਊਟ ਟੀ ਆਈ ਪੀ ਜੀ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਹੈ ਆਪਕਾ Yes. तुम? हाँ मैं जी रहा, तुम्हारा जान रहे वो। अब आयो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखना जीरा मैं क्या करूँ, मेरा भी दिल करता है कि तुम्हारे पास ही बैठा रहूँ, पर देखना नौकरी इज नौकरी, क्या झाड़ू क्या टोकरी, दिल पे वटा रख के ना तुमसे दूरी बर्दाश्त कर रहा हूँ। तू मुझे बिल्कुल वैसा नहीं लगता जैसा मैंने सोचा था। तू भी तो कितनी बदल गई है जीरा। रैम्बो ये तूने अपने साथ क्या किया, ये क्या उलिया बनाया हुआ तूने? ओए उलिया को छोड़, इसने मुझे बड़ा पॉपुलर बना रखा है। रैम्बो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तू मेरे लिए अपने हाथों से चाय लेकर आएगा। मुझे पता है तू लस्सी पीने की आदी है, पर देखना ये बड़ा शहर है, मैं क्या करूं, यहाँ चाय मिल सकती है, कॉफी मिल सकती है, मलक शेख मिल सकता है, पर लस्सी नहीं मिल सकती। ये दे मैं तेरे लिए आपे चाय बढ़ाता हूँ। कितनी? नहीं रहने दे, मैं आप ही बढ़ा लेंगे। क्या हुआ, भूती सजाई हुई है इतनी देर से जब से आया हुआ हूँ, रहने दे, ये ना कर वो ना कर, वो भूल गई है सारी बातें? अपने हाथों से गन्ने चील चील के तुझे दिया करता था, मूलियां चुरा चुरा के लेके आया करता था, और वो अब कच्चे अमरूद तोड़ के तुझे ला के दिया करता था, भूल गई है सारी बातें? अच्छा छोड़, बता मैं चीनी कितनी डालूं? मैं चीनी भी नहीं पीती। अच्छा जीरा,
तीरा तुझे नहीं पता ना मैं देख तेरे लिए क्या लेके आया हूँ, कंगन लेके आया हूँ। रैम्बो रैम्बो वो कड़ी किधर है वो जड़ी मेरे अब्बे ने तुझे मंगनी वाले त्याड़े दी थी। कड़ी को छोड़, बड़ी मनहूस कड़ी थी उसका जिक्र ना कर। ये देख मैं तेरे लिए ना कंगन लेके आया हूँ। ओए एक्टर के पुत्र सारे बर्तन तोड़ दिए। मेरा तो ख्वाब टूट गया। और तूने सारा सेट तोड़ दिया, टी सेट। मेरा तो सारा सेट अपसेट हो गया। ये क्या हो गया? बहुनवीर खाया पिया कुछ नहीं, बर्तन तोड़े 100 रुपया, वो भी कटेगा तनख्वाह से। हैं? हाँ साहब। जी रैम्बो साहब ऊपर बैठे हैं। मैं साहब एक मिनट, ये क्या? जी आप जरा नीचे बैठो। मुराद साहब आप भी इजी फील करें। अच्छा अच्छा यार मेरा ख्याल है कि मीटिंग शुरू की जाए, क्योंकि इसके बाद और भी मुझे बड़े काम है, सफाइयां शफाइयां करनी है कमरों की। ठीक है, देखिए हमने ये स्टाफ मीटिंग इसलिए बुलाई है कि बेगम साहिबा की बहन और AW सोखा के लड़के की मंगनी के सिलसिले में हम भी मिलकर पार्टिसिपेट करें। पार्टी? ये तो लड़के वालों का काम है पार्टी करना, हम क्यों करें? सर पार्टिसिपेट शिरकत, देखिए हम एक अरसे से इस गेस्ट हाउस का नमक खा रहे हैं और मेरी तजवीज ये है कि इस खुशी के मौके पर हम अपना नमक हलाल करें। मंगनी वैसे हो कब रही है? जी मंगनी हो कब रही है? ये तो परसों हो रही है जी। हाँ और हमने मिलकर ये सोचना है कि हम सब मिलकर इस फंक्शन को यादगार कैसे बनाएं। तो ये कोई ऐसा मसला ही नहीं है। देखिए ऐसा करेंगे कि हम सब मिलकर कोई तोहफा खरीद कर दे देंगे TIP के तौर पर। सिर्फ तोहफे से काम नहीं चलेगा ना, इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए। इसके अलावा जो मुश्किल काम है ना, वो अपना चंडिया वो मैं लगा दूंगा। नहीं यार मैंने ये सोचा है कि हम सब चंदा करके बैंड बाजे वाले को बुलवाते हैं। बैंड बाजे वालों को? भाई तुम्हें मालूम नहीं है कि इस्लामाबाद में बैंड बाजे वालों की मेहमानियत है? हम सड़कों पर थोड़ी बैंड बाजे बजवाएंगे, हम तो बैंड बाजे वालों को यहाँ गेस्ट हाउस के गेट पे खड़ा करेंगे ताकि हर आने वाले गेस्ट का इस्तकबाल रवायती और अनोखे तरीके से हो। गुड आइडिया वैसे। बस ठीक है, फैसला हो गया। रैम्बो तुमने ये करना है कि तुमने शहर जाकर बैंड बाजे वालों से बात करनी है, उन्होंने 3 दिन के लिए यहाँ लेके आया। ठीक है। मुराद तुमने ये करना है कि तुमने लड़के वालों की अच्छी तरह खाते में दारत करनी है और आलू गोश्त नहीं खिलाना उन्हें। और नवीद आपने ऐसा करना है कि आपने लड़के और उसके वालिद की अच्छी तरह एंटरटेनमेंट करनी है। ठीक है। और लड़की का मेकअप करवाना और कपड़ों की सिलेक्शन मेरे जिम्मे। वंडरफुल। ओके ओके बस मीटिंग खत्म। हाँ मीटिंग अजय। तो फिर वो खाबा शाबा? खाबा हाँ जी, वो जब बड़े लोग मीटिंग करते हैं तो फिर टेबल सेट होती है, खाबा खाबा। हाँ जी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग आज मेरी तरह से चाय पी लो। हाय 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 हाय, जिंदगी की पहली चाय होगी जिसके बाद TIP नहीं होगी। अब बकवास ना करो। चलो अपनी औकात में। वो ना मैं ले आया हूँ बैंड बाजे वालों को। यार रैम्बो वंडरफुल। बंदा प्यारा अमने ते दिले दा सहारा, तेरा मथाटा कोड़ी चढ़ेया कोड़ी चढ़ेया। बस दो बंदे पूरा बैंड बाजे कैसे बजाएंगे? हाँ ये क्या चक्कर है भावी? जितने चंदा इकट्ठा हुआ है, जितने पैसे हुए हैं ना, तो उसमें दो ही आ सकते हैं ना। आजकल इनका रेट भी ना रोज रोज प्याज की तरह ना ऊपर ही ऊपर। देखे जी महंगाई कितनी बढ़ गई है, हम अपना रेट भी ना बढ़ाए। महंगाई कितनी बढ़ गई है? ओए महंगाई, ओ तुम तो हर महफिल में जाते हो मुफ्त ही लंबे ही चावल खापा टका टक। ये कुली आपने पाला हुआ है? कुली कौन भाई? ये लाल कोट वाला। मैं कहा पाए थे ना आपने लाल कोट खून की कमी की वजह से पहना हुआ। नहीं नहीं तरी वाले पांडे में मुंह मार लिया था। नहीं नहीं ये गेस्ट हाउस की लेबोरेटरी है, सारा खाना पहले ये टेस्ट करता है। बदतमीजी नहीं करो, मैं यहाँ वेटर हूँ। कुली भाई माफ करना, हम आपके लिबास से धोखा खा गए थे। और चले जी ज्यादा गल्ला ना करें, पहले मुझे आप हमें फारग कर दें क्योंकि हमने दूसरे फंक्शन पे भी जाना है। वो अच्छा, तो ठीक है, लेकिन यार आप दो बंदे पूरा बैंड बाजा कैसे बजाएंगे? सेंस की बदौलत। सेंस क्या मतलब है? देखें जी इस कैसेट में सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। अच्छा। सारे म्यूजिक मौजूद हैं। अच्छा। बस हमारे पास दो हैं, हम सारी ये बजाएंगे बाकी ये चलेगा। अच्छा तो तुम ये वर्दियां फिर किसी साहब में पहन के आ गए हो? तुम खाली बैठ के खलाल करोगे? ओ भाई कुली पहले इस बात का फैसला हो लेने दो कि हम इस फंक्शन में बुक हो रहे हैं कि नहीं, फिर बाद में बैठ के रल मिल के एक दूसरे पे खूब जुकते मारेंगे। रोके यार, हमने आपको यहाँ जुकते मारने के लिए नहीं बुलाया। फिर क्यों बुलाया? आपको यहाँ गेस्ट हाउस के मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बुलाया। अच्छा।
आपका काम ये होगा कि आप गेट पे खड़े होंगे, जो ही कोई मेहमान अंदर आएगा आप धुन बजाना शुरू कर। क्यों जी, मेहमानों को वापस भेजना? भाई यार इस तरह तो तुम्हें ही वापस भेजना पड़ जाएगा। भाई बात सुनो पहले, ऐसे ही ठीक है जी, हमें मंजूर है, बाकी की सारी पेमेंट हम फंक्शन शुरू होने से पहले लेते हैं, और वेले सारी हम खुद लेंगे, ये नहीं उठाएगा। और यार ठीक है मुराद, दे दो सारी पेमेंट। चलो यार, कुल्ली के बजाय तुम कराकुली लगे हो। चुप यार, एक कील होता नहीं, नहीं, नहीं पता है कील के अलावा भी, वो उधर से ठीक लगे ना, इधर से आप लगा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए, वो लड़ा आ गया। चलो लड़ा इतनी जल्दी किधर से आ गया, अभी 10 मिनट पहले तो गए सोफा सब लेने के लिए एयरपोर्ट, तो फिर कौन हो सकता? ये कोई कस्टमर होगा। फिर मैं देखता हूँ। बाबा जी किधर मुंह उठाए हुए आ रहे हैं आप? मुंह उठाए हुए? हाँ जी बाबा जी। जी ए, और बात सुनो काका, मैंने जिस किसी को आज तक दिलों हो के चपेड़ मारी है, दो में से एक कम हुआ है, पूछ केड़ा। कौन सा? हाँ हाँ, ये या तो वो डोरा हो गया है या उसका बीड़ मेरी तली पे आ पड़ा है। ओए मुझको तू पूछने वाला है कौन है? रोके बाबा जी, आपको मिलना किससे है? ओए ये क्या फजूल बातें कर रहे हो, दोनों में से जो पहले मिल गया उसको फटका दूंगा। दोनों कौन जी? वो अपने बच्चे और कौन? बच्चे के? कौन से बच्चे? बाबा जी ये गेस्ट हाउस है, गुमशुदा बच्चों का दफ्तर नहीं है जी। हाँ बाबा जी, आप शायद ईदी सेंटर समझ कर आ गए। फजूल बातें मेरे साथ मत करो, हम इस जगह के मालक हैं। चलो जी मालक हैं, आते ही मालक हैं। तू है कौन हो जो इतना ऊपर ऊपर के बातें कर रहा है? कौन है तू? देखे बाबा जी, देखे बात सुने, मैं तो जो हूँ वो हूँ। पहले ये बताएं बाबा जी कि आप कौन है, आप अपनी शिनाखत कराएं बाबा जी। ये एक फिक्रे में तूने 3 दफा बाबा जी कहा है, बात सुनो मेरी। हा? ये अब तूने बाबा जी कहा, तेरा छापा चुकवा दूंगा उस लकड़ के बाबे से कह के। खड़का बाबा, वो ये शमीम साहब का पूछ रहे हैं मेरा ख्याल है। हा? आपका मतलब है शमीम साहब? हाँ, किधर है वो, और वो किधर है जिसने हमें यहाँ बुलाया है? वालेकुम सलाम। अब्बा जी सलाम। अब्बा जी सलाम। बकवास बंद करो। अब्बा जी आप अल्लाह का शुक्र है आप आ गए ना। मैं अभी अभी आया हूँ और अभी अभी जी चाह रहा वापस चला जाऊँ। वापस क्यों? हाँ पिंड वापस चला जाऊँ। क्यों? मुझे तुमने यहाँ बर दिखाने के लिए बुलाया था और यहाँ ये सूरतें देखने को मिल रही है, ये मैं यहाँ अपनी बिस्ती करवाने के लिए आया हूँ। ये इन लोगों ने बदतमीजी की आपसे। अब्बा जी आप मुझे नाम बताएं कौन है वो, मैं अभी अभी उसको आपके सामने ज़लील करके रखूं। ओए अब बड़ा गिच्ची लमका के बैठा, इधर आओ, इसमें अपने आप गिच्ची फंसा दे, इधर आ चंदा रहेगा। इधर आ, ये देखो, एक तो ये है ना, ये ऐसे लगता है जैसे लेटर बॉक्स है, जी चाहता है इसके मुंह में खत डाल दूं। एक तो ये है, कौन है तू, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम मुराद है जी, जो अभी पूरी नहीं हुई जी। ये बहुत बेमुराद है तू, तेरा हुलिया ही बेमुरादों जैसा है। और वो देखो, अब वो देखो कैसे कछू कुम्मे की तरह गिच्ची लुका रहा, इधर आवे बाहर निकल। ये देखो कौन है ये मुस्तफा, कौन है? ओ जी मैं ना अहमद रंबो रंबो जान रंबो। ये लो सुन लो, ओ ये चीजें कहां से पकड़ी है तूने? ये बरसात की चीजें हैं, ये सर्दियों में कहां से निकल आई? अब्बा जी ये ना इस गेस्ट हाउस के मुलाजिम है ये सब लोग, चलो काम करते हैं सारे। ओ ये इतनी फौज रखने की क्या जरूरत है, मैंने पूरा पिंड जो है एक खैरू जो है उसको रखा हुआ है, दोपहर के 12 बजे वेला होकर कार को चला जाता है। वो आ गए हैं ना, वो जिनको बुलाया है, तो आप अब ऐसा करें कि जरा एक गुनान से उनके साथ बात करें। बुलाया ना वो अब्बा जी, वो रिश्ता देखने नहीं आ रहे हैं। अच्छा वो मुंडा और उसका प्यू? हाँ, मुंडा और उसका प्यू आ रहे हैं ना। अच्छा, अब्बा जी मेरा मतलब है आप जरा ऊपर जाके छीटा छीटा मार सूट पहन। क्या लो ये सूट पहन लूं? ले ये चलो, लेके चलो। अच्छा आए जी बाबा जी, आप नहीं साहब जी, अब्बा जी नहीं आए, आप अपना सूट शूट निकालें। उत्तर सूट तो मैं बाद में निकालूंगा, पहले मैं जरा सोटा तो निकाल। नहीं 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 अब्बा जी अभी नहीं, देखना अभी ये वक्त नहीं आता। चलो रेमो चलो लेके। बात सुनो मेरी, कान खोल के जी, किस किसी ने मुझे मिलना है, इन कपड़ों में मिलेगा तो ठीक है, वरना रंग भेजता हूँ मैं उस पे। अभी छुटा छुटा मार के आ रहा हूँ। अच्छा कमान जैद।
हाँ, मुझे लगता है वो आ गए। ये सामान खाओ, आइए जी आइए आइए। पकड़ो ना, हेलो एवरीबॉडी, ये मेरा बेटा है AW जूनियर सोखा। हाय माशाल्लाह, लगता है वहाँ पे गया। कैसे हैं बेटे, अच्छे हैं? फाइन फाइन। ये मिलिए, ये मुराद हैं, ये नवीद हैं, ये लोग हमारे गेस्ट हाउस में काम करते हैं। ओह वेरी नाइस टू सी यू एवरीबॉडी, थैंक यू। ओए वो किधर चले गए हो सब लोग? मेरे अब्बा जी तो खल्ला सूखने पड़ा हुआ हूँ, मैं तो छटा छुटा मार के तैयार बैठा हूँ। वो किधर हो, क्या हो रहा है? अब्बा जी, ओए ये दो नमूने कौन है? अब्बा जी ये हैं AW सोखा साहब और वो AW जूनियर, इनके बेटे हैं। या अल्लाह, ये किस किस्म का शहर है, यहाँ लोग नाम भी अंग्रेजी कह दो जैसे रख रहे हैं, क्या कछू कुम्मे जैसी शक्लें हैं इनकी। अब्बा जी मेहमान है हमारे, यही तो है लड़का और लड़के का बाप, क्या करें। अच्छा ये हैं वो अच्छे रिश्ते वाले। अच्छा अच्छा, वैसे बात सुनो जी, ये लड़का तो ठीक ही लगता है, है? शक्लों जी, जी। लेकिन हुलिया इसका बड़ा गड़बड़ है, अगर इस हुलिये में ये पिंड चला गया तो मुजारों ने इसे बिजू समझ के मार देना है। आप बड़े आए ना, आप क्या करें, समझे ना बात। अस्सलाम वालेकुम, मुझे मलक वखरा कहते हैं। मैं AW सोखा। ओए ओ बात सुनो, है ओ तू अल्लाह बताया है, ये नाम तुम्हें कैसे पता चला, ये तो मेरा कंट्री साइड नेम है। ओ यार ओ खोतिया, ओए तूने मुझको नहीं पहचाना, ओ मैं तेरा बचपन का यार हूँ मलक वखरा। ओ मलक वखरा, ओ हाँ, ओ हम जीरे के खेत से मूलियां तोड़ तोड़ के खाया करते थे बचपन में, है याद आया? ओ सरप्राइज मलक वखरा। ओ बात सुन यार, ये तूने अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है, और किधर रहे हो तुम इतना अर्सा? मैं तो इधर ही लाहौर में हूँ, और यार तुम तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अच्छा मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये वाल छल रंग के जवान हो गया है। मैं ये कछू कुम्मे वाली आंखें तो नहीं ना छुप सकती। फॉर दैट व्हाट इज दिस माय सन, ही इज माय ओल्ड फ्रेंड। ओह नो, टेल मी वन थिंग डैड, ये हम कहाँ आ गया है, ये गेस्ट हाउस है या चिड़िया घर? पुत्र ये तुम दोनों के आने से पहले गेस्ट हाउस ही था। बस ठीक है, मंगनी की रस्म अब आज ही कर देनी चाहिए, ठीक है? हाँ जी जी। ओहो भाई, ये मंगनी की रस्में चश्मे ये फजूल बातों में क्या वक्त जाया कर रहे हो, सीधा सीधा निकाह पढ़वाओ झटके तरीके से। ये भी ठीक है, वैसे मुझे तो कोई एतराज नहीं है, ये तो और अच्छा है। मेरा ख्याल है कि ये अगर पहले मंगनी हो जाती तो ज्यादा बेहतर। देखे ना, लड़की अभी अपनी तालीम हासिल कर। देखे ना जी, बात ये है मलिक साहब कि लड़की जो है वो तो निकाह के बाद भी अपनी तालीम जारी रख सकती है, क्या जी? चलो जी, अब सियाणों ने फैसला कर दिया तो हम क्या बोल रहे। ठीक है जी, जैसे आप लोगों की मर्जी। मेरा ख्याल है मुझे कुछ लोगों से टेलीफोन पे ये दावत के सिलसिले में बात करनी है, कुछ लोगों को फोन करना है, तो मैं इजाजत चाहता हूँ, आप लोग खाना खाएं। हाँ, चलो जी। पुत्र खेती वापस आना। हाँ जी, अच्छा, 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 अच्छा। अब तो बस एक दुआ मांगने को जी चाह रहा है, पूछ केड़ी कौन सी? या अल्लाह इसका पुत्र इस पे ना जाए, बस। अब मैं कोई पगल हूं, अगर लड़की को देखोगे तो हाथ मलते रह जाओगे बच्चू। ओ डैड, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं रीटा से शादी ना करता। इसलिए शादी किया कि इधर पाकिस्तान में ना हमारे पास दौलत है ना शोहरत, बस ले दे के जमीन का एक टुकड़ा है। मुझे तो इसका अफसोस हो रहा है मेरे बच्चे, कितना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। ओ डैड, निकल कैसे गया, हम नाडिया से शादी करेगा, ये कैसे हो सकता है? ओ डैड, इधर मेरे कई दोस्तों ने ऐसा ही किया है। तुम शायद मलक वखरा को नहीं पहचानते मेरे बच्चे, उसको अगर पता चल गया तो हम दोनों को गोली मार देगा। ओ डैड,
उसको पता चलने कौन देगा? अगर पता चल भी गया तो अपनी बेटी की इज्जत रखने के लिए वो किसी से बात करने के काबिल नहीं रहेगा। ये बहुत डेंजरस काम है मेरे बच्चे। ओ डैड, आप बहुत डरपोक है। अगर एक दौलतमंद लड़की का रिश्ता मिल रहा है तो दूसरा शादी बनाने में क्या हर्ज है? कंजूस आ गया मेरा शौहर, कंजूस आ गया मेरा शौहर, मेरा घर मेरी जन्नत। ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे हाथ में जूता। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हमारी इस 10 साल इज़्दवाजी जिंदगी में ये इनकलाब कैसे आया? पूछिए पूछिए। भाई हमारे जूते साफ हो रहे हैं, क्या बात है? हाँ, शौहर के, नेक शौहर के कदमों तले जन्नत होती है। क्या 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 कह रही हो? नहीं मान से सच्ची शमीम, मैंने ना आज बहुत सीरियसली सोचा। हाँ, मैंने कहा अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा शौहर अता किया, इतना हैंडसम, इतना नेक, इतना स्मार्ट, इतना वफादार, तो मुझे चाहिए ना कि मैं उसकी कदर करूँ। ऐसा ना हो जाए कि कहीं हाथ से ही निकल जाए। हाँ भाई, ये तो मौका मिलने की बात है। क्या 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 क्या? मेरा मतलब ये था, देखो ना, मैंने तुम्हें कभी मौका नहीं दिया ना नाराज होने का, कभी नाराज होने नहीं दिया ना। जी जी बिल्कुल। हाँ। और ये मौका कभी देना भी ना, और ये जो मौका अब आ रहा ना, इसकी नजाकत को भी समझना। मौका? कौन सा मौका? भाई मेरी बहन की खुशी का मौका। अच्छा, तुम उस मौके की बात कर रही? भाई देखो ना, आप मंगनी कर रहे हैं तो वो मंगनी की रस्में तो होती हैं, एक अंगूठी देनी होती है, फिर वो एक सूट होता है लड़के का, और एक उसके बाप का भी सूट, चाहे उसे सजे चाहे ना सजे, लेकिन देना तो पड़ेगा ना। तो ये सब कहाँ से आएगा? आ गई ना, सब कहाँ से आए? बाजार से आएगा, और कहाँ से आएगा? अच्छा जी, तो वो बाजार, वो दुकानदार हमारे मामे लगते हैं, ऐसे मुफ्त में उठा के दे देंगे। भाई उस पर कोई खर्च होगा, मेरे ख्याल से अंदाजा था 10 या 12 हजार। उफ, 10-12 हजार। आ गए ना औकात पे। नहीं है मेरे पास इतना पैसा जाया करने के लिए, फालतू पैसा। अच्छा फालतू, ये फालतू हो गया, ये फालतू है, और ये जो ये कतारें लगी है 26-26 जूते, ये फालतू नहीं है? ये जो मैं पॉलिश कर करके सुबह से मर गई हूँ, और वो कमीजों के जो थद्दे के थद्दे रखे हुए हैं वो, ये अंदर, ये फालतू नहीं है? और वो जो तुम्हारी वो टाइयां इतनी प्रिंटेड और बड़ी हसीन महंगी महंगी, और वो परफ्यूम है, वो किस लिए? वो फालतू नहीं है? ये बीवी फालतू हो गई? मैं फालतू की? तुम उठा के मुझे बाहर फेंक दो, फिर रहने दो तो मुझे, ठीक है फालतू तो फालतू से। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को, पागल हो गई हो? हाँ पागल हो गई हूँ, अब तो आई हूँ मैं होश में। अच्छा, और वो जो कह रही थी शौहर के पैरों तले जन्नत होती है, और जी जन्नत होती है, वो मैं बकवास कर रही थी। अच्छा बकवास कर रही थी, और ये भी बकवास कर रही थी कि बड़ा हैंडसम और नेक शौहर, और हाय 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 हाय, और शक्ल देखिए अपनी, सांप लगते हो। क्या क्या सांप? हाँ और क्या, वो सांप जो दौलत में बैठा होता यूं करके। ठीक है करती रही है, नहीं देता पैसे, नहीं देता। खाओ कसम नहीं दोगे पैसे? आए, चलो नहीं देता। अच्छा नहीं देता तो ना दो, मुझे क्या, मेरे पास भी है ना फिर एक मौका, सारी बरादरी इकट्ठी होगी, मैं कहूंगी कंजूस आ गया मेरा शौहर। तुम मजाक भी नहीं समझती। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों को हीर आती है? हीर? हाँ। अच्छा भाई तुम्हें जरूरत कैसे हुई है मेरे बराबर बैठने की, कमी कमीन, खबरदार। हाँ वो जी, कौन सी? बताओ तुम दोनों को हीर वारे शाह आती है? अच्छा वो हीर टोली चढ़ दे या मारिया हीर चिका? हाँ वो हीर। वो यहाँ तो नहीं आती जी। चलो सरकार, ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में हीर का क्या मतलब? आय हाय हाय, यहाँ तो बस डिस्को होता है जी, डिस्को। मलिक साहब, वैसे वारिस शाह साहब हीर लिखते वक्त सियाने बनते और अंग्रेजी में हीर लिखते तो आज हर एक की जबान पर हीर ही हीर होती। और हीर कहना और सुनना एक फैशन होता सरकार। लो दसो, ये वारिस शाह को किधर नजर आ रहा है? बेवकूफ, और तुम लोगों को हीर वारिस शाह ही नहीं आती,
तो ये इतना सारा पित्तल ये खले छले उठा के ये क्या बजाते फिर रहे हो? ओ जी बस जब से आए हैं आदाब बजा ला रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मेहमानों में कोई बड़ा अफसर भी हो। जी मलिक साहब, वैसे आप इधर फंस कैसे गए? मेरा मतलब है इस्लामाबाद में कैसे आ गए? तुझे किसी ने ये नहीं बताया कि ये मैं इस बंगले की मालकन का प्यू हूँ? अच्छा जी, पर वो लाल वर्दी वाला वेटर कह रहा था कि ये गेस्ट हाउस है, उधर मेहमान ठहरते हैं आके। वैसे मलिक साहब, ये कैसा जमाना आ गया है, अब किसी के घर जाके ठहरो तो वो रहने का किराया लेता है, अगर वो रोटी और पानी खिला दे तो उसके पैसे लेते हैं, वैसे ज्यादती है। तौबा तौबा जी, हमारे गांव में मेहमानों को अल्लाह की रहमत सबर करते हैं। बताओ, मुझे बता रहा है, मैं गांव से नहीं आया हुआ। बैठो, ये जो बड़े शहर होते हैं ना, बड़े शहर जी, इनका अपना तौर तरीका होता है, जहां रहमत को भी बिजनेस बना लिया जाता है, जितनी रहमत ज्यादा होगी उतना ही बिजनेस भी ज्यादा होगा। ओए ये बैठ कैसे गए? हेलो जी, कमी कमी। ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम जी बुजुर्गों का दिल बहला रहे हैं जी। बुजुर्गों का दिल बहला रहे हो? तुम्हें इस्तकबालिया के लिए बुलाया, जो मेहमान आएंगे उनका इस्तकबालिया कर रहे हैं, समझे? चलो चलो। हेलो मिस्टर मलिक। ओए तमीज से बात करो, ये मिस्टर किसे कहा है? यार मैं तुमको उधर कमरे में ढूंढ रहा हूँ और तुम इधर वक्रे बैठे हो। मिस्टर मलिक वक्रा यार, तुम जरा ये तो बता, ये जो 8-10 चीजें तू हर वक्त पहन के रखता है, ये हर वक्त पहने रखता है, यही पहन के सो भी जाता है, हैं? ओए ये तूने पहन के सिलवाई थी या ठीके पहनी थी? आज जरा ये तो राज कर, ये बताओ कि तुम जहेज में क्या क्या दे रहे हो? मुझे यूं लगता है कि जैसे मैं अपनी बेटी को जहेज में धोखा ही दे रहा हूँ। यार अगर तुमको मेरा बेटा पसंद नहीं है तो तुम साथ साथ ना कर दो। नहीं नहीं, खैर वो तो मेरी बड़ी दी ने पसंद किया है, तो आखिर चलो ठीक ही होगा। चलो तो फिर ठीक है। एक अदद पूरी मज कटे समेत। पूरी मज कटे समेत? हाँ। तो क्या मतलब है तुम्हारा, ये क्या चीज होती है? अच्छा आज मुझसे ये तू पूछेगा कि ये पूरी मज होती क्या चीज है? ओए चपेड़ मार के तीरिया कर दूं तुझे, ये सारी जिंदगी तूने दूध वेच वेच के गुजारा किया है, आज पूछ रहा है कि पूरी मज होती क्या है, क्या बात है? यार देखो, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। अच्छा, इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम ऐसा करो कि वो जो तुम्हारी गांव की जमीन है वही दे दो। अच्छा, या फिर ऐसा करो कि ये बंगला दे दो। अच्छा, या अगर ये भी नहीं तो चलो ऐसा करो कि कैश ही दे दो, नकद दे दो। गिद्दू को मैं अपनी औकात के अंदर रह के बात करो, तुम मुझे बताओ तुझे जेल में क्या कुछ मिला था? मैं कोई पागल हूँ? अगर मुझे जेहेज में कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि मेरे बेटे को भी कुछ ना मिले, वो भी परेशान रहे मेरी तरह। वो देखो, और मुझे मुंह खोलने पे मजबूर ना करो, ये जो तूने अपना बेटा बाहर भेजा किस तरह भेजा, ये मैं आज स्टोरी सुनाता हूँ। ये तूने सारे पिंड के आगे तलियां टट टट के भीख कठी कर करके उसको बाहर भेजा और सारे पिंड को चक्कर दिया कि ये वापस आकर एहसान उतारेगा, डॉक्टर बन के आएगा, पिंड की खिदमत करेगा। ओए उसने तो क्या वापस आना था, तू खुद भी पिंड छोड़ के भाग गया, उधर अपनी बीवी को भी सिसक सिसक कर मरने के लिए छोड़ आया। वो बेचारी भी जब मरी है तो सारे पिंड ने एक बार फिर चंदा इकट्ठा किया और उस बेचारी को दफनाया। ये तेरी औकात है, हैं? अब तू मुझे बातें सुना रहा है? ओए ओए बाहर जाके तुम लोगों की गैरतें क्यों मर जाती हैं? ओए उधर जाके भांडे मांजते हो, फर्शों पे टाकियां मारते हो, इधर वापस आते हो तो ये चीजें पहन के लाड साहब के पुत्र बन के फिरते हो, इधर तुम्हें कोई चीज पसंद ही नहीं आती, इधर आके कहते हो कि ये बुरी मज होती क्या चीज है? आज तुझे बता दूं पूरी मज क्या होती है। ये वो होती है जिसकी चोरी के इल्जाम में तू सतारा रहते हवालात में रहा था और मैंने तेरी जमानत कराई थी, उधर थानेदार ने कुट कुट के तेरा हशर नशर कर दिया था, ये डंट तुझे उसी वक्त से पड़े हुए हैं। लेकिन तुम यहाँ बैठी हो और बाहर मेहमान, क्या बात, क्या हो गया?
धोखा जी। धोखा? कैसा धोखा? ये कैसे हो सकता है सर जी? जैसे फिल्मों में होता है जी। अब क्या होगा? अब्बा जी को क्या जवाब देंगे? मेहमान बैठे हैं, उनको क्या जवाब देंगे भाई? शुक्र करें सर कि उस लड़की की जिंदगी बच गई। ये तो बड़ी अजीब बात है। अब तो मैं तो मुझे रह रहकर वो मेहमान जो बाहर बैठे हैं उनका ख्याल आ रहा है। मेरा ख्याल है मैं जाके ये बात ओपन कर देता हूँ बाहर। रहने दो, लोगों की जुबानें किस तरह बंद कराओगे? ओपन कर दो। वैसे बेगम साहब, उस बाप बेटे को इस बात का मजा जरूर चखाना चाहिए जी। नदी को पता चला तो वो क्या सोचेगी? लैला प्लीज नदी को मत बताना, वो तो मर जाएगी। सर जी, मेरे माइंड में एक बात आई है जी। क्या? सर क्यों ना पहले हम छोटी बीबी की ना मंगनी की रस्म अदा कर लें, उसके बाद जब सारे मेहमान चले जाए ना तो हम सारे मिलके ना कुछ चंगी सी ठुकाई उन दोनों की मिलके। तुम्हारी इस बात पे मेरा जी चाहता है कि मैं खड़े खड़े जी, मेरे मुंह से निकल गया जी। यार पहले पूरी बात तो सुन लिया का, शायद TIP। हाँ, इसी बात पर तुम्हारी तनख्वाह में 50 रुपए का इजाफा। मेरे ख्याल है कि हमारे बेटे को भी लंदन जरा जल्दी वापस जाना है, निकाह की तारीख का भी ऐलान जल्दी कर दिया जाए। मैं खुद पागल। आंटी, आंटी यू सो ग्रेट। तो ऐसा क्या मंगनी की अंगूठी तो पहनाई है उसने हाथ से लड़की को? जी जी, जी जरूर। जी जी, शाबाश, जीते रहिए। आप भी तो लड़की से कहिए कि वो लड़के को अंगूठी पहनाए मंगनी की। जस्ट अ मोमेंट, हम ऐसे अंगूठी नहीं पहनेगा। पहले लड़की से कहिए घूंघट उठाए। जी नहीं, पहले मंगनी की रस्म पूरी हो जाए। अच्छा अच्छा, आंटी इनको कहिए ये अपनी आवाज सुना दे हमें। भाई नहीं, हमारी बेटी कोई सिंगर नहीं है, आवाज क्यों सुनाए? पहले मंगनी की रस्म बता। अपना नाम तो बता दो। हाँ हाँ, बता दीजिए ना, आपका नाम क्या है? नाम बता दो बेटी, इन मेहमानों के लिए क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज रैम्बो, जॉन रैम्बो।